हेलो दोस्तों, मैं अवनी चौधरी और आप सभी देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आप सभी को नए साल के लिए जागरूक तो करेगी ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे सवालों का जवाब भी मिलेगा जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीते साल की। बीता साल कैसा रहा है और आने वाला साल कैसा रहेगा। दोस्तों, न्यू ईयर आने वाला है और इस बार के न्यू ईयर से सभी बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। साल 2021 का लोगों ने बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार किया है। साल 2020 लोगों का बहुत ही संकट भरा रहा है। कोविड-19 जैसी महामारी के चलते कई लोगों का सपना साकार होने से चूर चूर हो गया है, जिसका असर कोविड से मरीजों से लेकर आम जनता की रोजी रोटी तक, तो कहीं किसानों की मांगे पूरी ना होने से लेकर युवा की पढ़ाई तक और व्यापारियों पर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हर साल की तरह क्या इस साल भी लोग उसी हर्षोल्लास और उमंग के साथ बाहर जाकर पार्टियां करेंगे, या फिर कोविड-19 को ध्यान में रखकर सावधानी बरतते हुए इस बार घर पर ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। आपको इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। दरअसल 1 जनवरी को मनाए जाने वाला नया साल केंगोरियन कैलेंडर पर आधारित है और इसकी शुरुआत रोमन कैलेंडर से हुई है। न्यू ईयर हमें नए तरीके से जीवन जीने का संदेश देता है। हालांकि नया साल दुनिया में अलग अलग दिन मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग कैलेंडर हैं और हर देश का अपना एक कैलेंडर होता है, उसी के अनुसार नया साल मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं नए साल के ऊपर आप सभी को एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहूंगी। साल 2020 के जैसा दुख का एक लम्हा भी किसी के पास ना आए, साल 2020 के जैसा दुख का एक लम्हा भी किसी के पास ना आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। चलिए दिखाते हैं आपको बीते साल के बारे में लोगों की क्या क्या राय हैं और नए साल आने की खुशी में लोगों की कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए क्या क्या तैयारियां हैं। ये जो साल है इसने बहुत चीजें सिखाई हैं। नमस्कार, मैं अवनी चौधरी अर्थप्रकाश टीवी से। जैसे कि आप सभी को पता ही है, न्यू ईयर आने वाला है, उसी के रिगार्डिंग हम आए हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 मार्केट में। आपको आइए आपको दिखाते हैं कि आने वाला साल लोगों के लिए क्या लेकर आएगा। हम बात करेंगे जसमीत जी से। सर, आपको न्यू ईयर को लेकर क्या क्या तैयारियाँ आपकी? न्यू ईयर की तैयारियां तो एक्चुअली प्रिकॉशंस ही है फिलहाल, तो कोई एज सच तैयारी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कोविड इतना ज़्यादा फैला हुआ है जी। सो जो आपकी प्रोटेक्शन है वो आपकी हाथों में है। वेयरिंग मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, दैट्स ऑल वी हैव टू डू फॉर नाउ फॉर द न्यू ईयर। तो जैसे कि सर आपने बताया कि आपकी प्रोटेक्शन हमारे खुद के हाथों में है, आपने साल 2020 से कोविड जैसी महामारी से क्या कुछ सीखा? हम सीखा तो एक्चुअली अब यही है कि अब इतना महामारी है, इसका कोई अभी कोई एक्चुअली में कोई इसका मेडिकल रिलेटेड कुछ अभी आया नहीं है, तो हमें अपने में ही सेल्फ क्वारंटाइन करके अपने आप को बचाया है। बच्चे हैं छोटे घर में, बूढ़े हैं, सबको अपने घर में रख के सबको ही हमने बड़ा मुश्किल से सर्वाइव किया है। बाहर नहीं जाना, बाहर जाना है तो कैसे जाना है, सामान लाना है तो कैसे लाना है, बहुत एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होके हमने ये लास्ट 6 मंथ्स निकाले हैं। मैम, आपका नाम? पूजा। पूजा जी, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 के चलते 2020 पर बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कहीं ना कहीं, और आम जनता के लिए तो बहुत ज़्यादा संकट भरा ये साल रहा ही है, तो उसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ होंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो साल है इसने बहुत चीज़ें सिखाई हैं, कि जैसे हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, दूसरी चीज़ हमें अपना फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सबने देखा है कि आजकल के टाइम पे स्कूल्स बंद हो रहे हैं या कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं कोविड के कारण, तो हमें इन फ्यूचर के लिए इन चीज़ों से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ताकि हम अपनी सेविंग उस हिसाब से रखें कि नेक्स्ट आने वाले टाइम पर हम उस चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, और होप सो अगला साल और ज़्यादा अच्छा हो, ये सारी चीज़ें इतना हो। जैसे पूजा जी, आपने बहुत अच्छा बोला है। आप ये बताइए कि आप न्यू ईयर को लेकर आपने क्या सोचा कि आप क्या रेजोल्यूशन लेंगे उसको आने के बाद? नए साल में ज़्यादा कुछ नहीं, बट यही चीज़ सोचिए कि मैं पहले से ज़्यादा थोड़ा प्री प्लान रहूँगी हर चीज़ को लेके, ताकि इन फ्यूचर मुझे ऐसी चीज़ों को फेस ना करना पड़े। ओके, कोविड-19 के चलते आपने कुछ क्या क्या सावधानी बरतने के लिए सोचा है कि आप जो प्लान करेंगे एंड पार्टी एंड ऑल, आज का यूथ ज़्यादा पार्टी पर बिलीव रखता है, तो आपको उसको लेकर क्या कहना है?
कि यही है गेट टुगेदरिंग जो है जितनी ज़्यादा हो सके वो कम करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। देखिए हर दिक्कत के बाद हमें कुछ ना कुछ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टाइम था जिसके अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने के लिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए जिसके लिए हम हमेशा कहते थे कि हमारे को वक्त नहीं मिल रहा, हमारे को समय नहीं है। लेकिन आज ऐसा टाइम है कि हम लोग घर पर भी हैं, अपना काम भी चल रहा है। जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ तो मुझे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिली है, ऑल्दो मैं अपना काम भी पूरे ईमानदारी से कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मेरे को ये भी वक्त मिल रहा है कि मैं अपने बेटे को कहीं पर अगर उसका कोई काम है तो वो करवा सकूँ, उनकी मदर के अलावा मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, बेटे के साथ अगर कुछ खेलने का जो मुझे टाइम की हमेशा कमी रहती थी वो अब मैं खेल सकता हूँ। अब हम बात करेंगे प्रभगुन जी से। प्रभगुन, आपकी क्या प्लानिंग है न्यू ईयर को लेकर? मेरे दादू का बर्थडे 1 जनवरी को होता है, हम हमेशा बाहर जाके बनाते थे पर अब हम घर में ही बनाएंगे। मैम, साल 2020 तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है हमारे लिए जी, क्योंकि एक तो काम हमारा सारा, मेरा टैक्सी का काम है, मैं टैक्सी ऑल ओवर में लोकल टैक्सी चलाता हूँ, ठीक है जी, और वो सारा काम मतलब ख़त्म हो गया जी, 50% भी नहीं रह गया है जी, ठीक है जी, और सारा आपको पता ही है अभी जितना भी पीजी सेक्टर है सब वापस चले गए अपने घर पे, उनसे ही हमारा काम चलता है जी। सर, आपकी साल 2021 से क्या क्या नई उम्मीदें हैं? कोई उम्मीद नहीं है जी। आपने क्या रेजोल्यूशन लेने के लिए सोचा है कि क्या कुछ नया हो सकता है या आप क्या संकल्प लेना पसंद करेंगे साल 2021 में? मैम, कोई उम्मीद नहीं है जी। दोस्तों, आपने लोगों की न्यू ईयर के ऊपर सबकी प्लानिंग्स तो सुन ही ली होगी। अब मैं अर्थप्रकाश के संपादक महावीर जैन जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत न्यू ईयर की बधाइयाँ देना चाहूँगी। अर्थप्रकाश की टीम के साथ आपको एक छोटी सी शायरी पेश करना चाहूँगी। हर साल आता है, हर साल जाता है, हर साल आता है, हर साल जाता है, साल 2021 में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ रोमांचक स्टोरी को जानने के लिए बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।